अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन और जो इंटेंसिटी है वो किस तरह से शिफ्ट होती है और उनका क्या टर्म हमने उसको नाम दिया हुआ है कि साहब हम ऐसा बोलते हैं कि साहब वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, अप साइड में शिफ्ट हो जाएगा, डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को यूज ना करके एक सही साइंटिफिक वर्ड का इस्तेमाल हम करेंगे कि एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी कब शिफ्ट होती है और उसको हम क्या कहते हैं उस हिसाब से। ठीक बात है। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो आपको ये एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में मैंने बहुत सारी कुछ कलर्ड लाइंस बनाई हुई हैं और अब हम बात करेंगे इन पर कि ये एक्चुअली में क्या है। मान लीजिए कि आपके पास में एक सिंपल कंपाउंड है, ठीक है, सिंपल कंपाउंड, और वो सिंपल कंपाउंड आपने लिया और उस सिंपल कंपाउंड को आपने अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा और उसका एक एब्जॉर्प्शन दिखाई दिया। तो ये जो रेड सॉरी ये जो ब्लैक कलर का जो एब्जॉर्प्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये एब्जॉर्प्शन आप मानो कि एक साधारण कंपाउंड आपने लिया था और उसका एब्जॉर्प्शन कुछ इस तरीके का आ रहा था, इस तरीके का एब्जॉर्प्शन आ रहा था, ये जो ब्लैक कलर में आपको शो हो रही, ठीक है, ये हमारा बेस एब्जॉर्प्शन है। बेस एब्जॉर्प्शन मतलब यहां पर आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आता नहीं है, वो शिफ्ट होगा। वो शिफ्ट कैसे होगा, ये आप मान लो कि ये बीच में यहां आना चाहिए लेकिन यहां ना आकर के वो या तो राइट साइड में शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा या वो डाउन साइड में शिफ्ट होगा। तो आप देख भी रहे हो कि मैंने यहाँ रेड वाला जो एक एब्जॉर्प्शन बैंड बताया है वो राइट साइड में है ब्लैक के, ये ब्लू वाला जो है वो इस ब्लैक के लेफ्ट साइड में, ये जो ग्रीन वाला है ये इस ब्लैक से ऊपर है और ये जो ग्रे कलर का है ये इस ब्लैक से नीचे है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ जो शिफ्ट्स हैं वो बताई हैं और इसको हम अब देखते हैं कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो आपका शिफ्ट है वो नॉर्मल एक कंपाउंड का जो एक शिफ्ट है वो इस ब्लैक एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमने शो किया हुआ है। अब मान लीजिए कि वो जो एब्जॉर्प्शन है वो इस तरफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया, यहां पे ये शिफ्ट यहां हो गया, तो ये जो रेड शिफ्ट इसको हम बोलेंगे। अब देखो वेवलेंथ इधर क्या है, लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है और वेवलेंथ बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं रेड शिफ्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम होता है, विबग्योर, ये वायलेट है और ये रेड है, ठीक है ना, इसके बाद इंफ्रा रेड शुरू हो जाता है और इस वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट रहता है, ठीक है। अब रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ जो है वो इस तरह से बढ़ रही है, इधर हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट तो बढ़ रही है, तो यहां वेवलेंथ क्या है लो और यहां वेवलेंथ क्या है हाई। तो ये कहां शिफ्ट हुआ, राइट साइड में, तो देखो राइट साइड में शिफ्ट हुआ इसलिए मैंने इसको रेड कलर के एब्जॉर्प्शन बैंड से दिखाया है, मतलब कि रेड शिफ्ट हो रहा है। अब इस रेड शिफ्ट को, ये जो रेड शिफ्ट है इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट और इसका टेक्निकल जो नाम है वो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथो क्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो कोई भी एब्जॉर्प्शन अगर कहां शिफ्ट हो, अगर वो हायर वेवलेंथ की तरह शिफ्ट होता है तो उस हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने वाले शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अब ये क्यों होता है, रेड शिफ्ट कब कब किस किस कंडीशन में होगा, तो वहां किस किस कंडीशन में होगा उस पर अगर हम बात करें तो मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटाता हूं, फिर हम मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जब रेड शिफ्ट होगा। तो देखो अभी हमने जब कल बात की थी और वहां पर मैंने आपसे कहा था कि जो क्रोमोफोर्स है, क्रोमोफोर्स वो अगर कहीं प्रेजेंट होंगे तो कलर आने लगेगा, जो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ वो शिफ्ट होगा, ठीक है ना, और वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मैंने आपको यहां पे बताया था कि क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम अगर होता है, ये क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम अगर होता है तो शिफ्ट कहां होती है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ एब्जॉर्प्शन होता है ना। अब यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, तो ऑक्सोक्रोम्स और क्रोमो
फोर्स, ऑक्सो क्रोम। तो या तो ऑक्सोक्रोम हो या क्रोमोफोर हो, ये अगर हम किसी कंपाउंड में ऐड कर दें तो जो शिफ्ट होगी वो रेड शिफ्ट हो जाएगी, या एब्जॉर्प्शन हायर वेवलेंथ की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एक फैक्टर यह है कि सॉल्वेंट हमने किस तरह का यूज किया है। तो अगर हमने सॉल्वेंट कुछ इस तरह का यूज किया हुआ हो जो क्या कर देगा, वो रेड शिफ्ट कर देगा। या फिर हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन को बढ़ा दें। जो कॉन्जुगेशन है, मैंने आपको बताया भी था कल कि जो हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वहां पर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होता है उतना ही वो रेड शिफ्ट की तरफ मूव कर जाता है, या बैथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ मूव कर जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, तो इन चारों में से कोई भी फैक्टर, या इन चारों में से सारे के सारे फैक्टर अगर कहीं किसी कंपाउंड में हो तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो हायर वेवलेंथ पर होगा, जिसे हम रेड शिफ्ट बोलेंगे। तो ये काले वाले एब्जॉर्प्शन की जो पोजीशन है वहां ना होकर के किस तरफ होता है, राइट साइड में होता है, जिसे हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक दूसरा मैंने आपको यहां पे बनाया हुआ है ब्लू कलर से। ये ब्लू कलर से क्यों बनाया है, ये ब्लू कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनमें अगर हम देखें तो ये ब्लैक कलर की जो पोजीशन पर जो एब्जॉर्प्शन आ रहा है, यहां एब्जॉर्प्शन ना आकर के जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां पहुंच जाता है, वो लेफ्ट साइड में पहुंच जाता है, मतलब ब्लू की तरफ पहुंच जाता है। ब्लू की तरफ, वही मैंने जो आपको बताया कि विबग्योर, कि वो ब्लू की तरफ पहुंच रहा है। ये ब्लू, ब्लू इंडिगो वायलेट, ये सब ब्लू के ही कलर है, तो इस तरफ पहुंच जाएगा तो इसे हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। ये जो होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। और इसको टेक्निकली अगर हम देखें तो इसका नाम होता है हिप्सो क्रोमिक शिफ्ट। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, अब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कब होता है, जब वेवलेंथ कम की तरफ एब्जॉर्प्शन हो, कम वेवलेंथ की तरफ। और कम वेवलेंथ की तरफ एब्जॉर्प्शन अगर हुआ तो उसे हम ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। कब हो सकता है, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनको उल्टा कर दो, मतलब क्रोमोफोर हटा दो, ऑक्सोक्रोम हटा दो, सॉल्वेंट बदल दो, या कॉन्जुगेशन को कम कर दो, ये सारे के सारे फैक्टर्स को अगर हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू वेवलेंथ की तरफ हो जाएगा, जैसे आप हेप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट बोलोगे। आई थिंक आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा है। नाउ, ये तो थे एब्जॉर्प्शन के शिफ्ट्स, ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसके शिफ्ट, कि किस पोजीशन पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो हमने देखा कि या तो वो एक आइडियल पोजीशन पर होगा, या वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में वो शिफ्ट होगा। तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में अगर वो शिफ्ट होता है तो उसका हमने यहाँ पे टेक्निकली बता दिया कि वो रेड शिफ्ट होगा या फिर वो ब्लू शिफ्ट होगा। लेकिन और आपने यहाँ पर इसको भी देखा कि देखो यहाँ पर ये जो एक लाइन जो आपको ये जो दिख रही है, ये वाली जो ब्लैक लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है, इसमें आप देखोगे कि इसकी जो ऊंचाई है या इसका ये जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है, ये लैम्बडा मैक्स है। ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जहां होता है उसको हम, उस वेवलेंथ को हम लैम्बडा मैक्स बोलते हैं। तो इन सबकी लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो सबकी इक्वल है। ये देखो बिल्कुल इसी पर्टिकुलर पोजिशन पर आ रही है, चाहे वो ब्लू शिफ्ट हो, चाहे वो आपका रेड शिफ्ट हो, या फिर आपका ये ब्लैक वाला जो एब्जॉर्प्शन बैंड है इसकी। ठीक है ना, यहाँ इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम है लैम्डा मैक्स। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की बात करें जहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाए, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो ये जो ग्रीन कलर का आपको जो ये जो ग्राफ दिख रहा है, या ये जो एब्जॉर्प्शन बैंड दिख रहा है, इसमें आप देखोगे कि जो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है, ये जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है ये इंक्रीज हो गई ऊपर की तरफ। ये जो इंटेंसिटी है, ये जो इंटेंसिटी है ये ऊपर की तरफ, मतलब ये इंटेंसिटी बढ़ गई। और इंटेंसिटी अगर बढ़ गई तो जो आपका जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा इंटेंस कलर्स देगा, क्योंकि हम यहाँ पे विजिबल रेंज
की बात कर रहे हैं, तो वो जो कलर आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा इंटेंस आएगा, ज्यादा गहरा आएगा। तो हायर वैल्यू जो है इंटेंसिटी की, उसकी तरफ ये एब्जॉर्प्शन मूव कर जाता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसको याद रखने का तरीका ये है कि हाइपरटेंशन हो जाता है कई बार, बीपी बढ़ जाता है तो, और या फिर कई बार कोई गुस्सा हो रहा तो हम उसको बोलते हैं हाइपर मत हो जाता, तो यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वो उग्र हो जाता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है ना, तो ये वो शिफ्ट है जहां पर इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब ये इंटेंसिटी कब बढ़ती है, और देखो जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आप एक चीज और ध्यान में रखना, इंटेंसिटी बढ़ती है तो हमेशा थोड़ा बहुत जो आपका जो शिफ्ट है वो राइट साइड में भी होगा, मतलब कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी होगा। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो थोड़ा सा बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि आपके पास में कोई भी एक कंपाउंड था, और उस कंपाउंड के अंदर पहले जो एब्जॉर्प्शन आ रहा था वो हम लेट से कि 250 नैनोमीटर पर आ रहा था। अब हमने जब उस में कुछ इस तरह का चेंज किया और वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देने लगेगा, तो वो 250 पर ही ऊपर इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो 255 नैनोमीटर हो जाए मान लो, मतलब 250 से ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा बैथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ मूव करता हुआ और अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा लेता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है उसमें इंटेंसिटी चेंज होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि एक आपको ये ग्रे कलर का ग्राफ दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ब्लैक के नीचे है, यहां आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी कम हो गई, जो इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी यहाँ जो ब्लैक वाला आ रहा है उससे नीचे हो गई, तो इंटेंसिटी कम हो गई। और यहां जब इंटेंसिटी कम हो जाती है तो इस तरह का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं, यहां पर मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये हाइपरक्रोमिक है और इसे हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक, हाइपो क्रोमिक शिफ्ट। तो ये आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है जहां पर इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, और ये जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो यहां पर एक आपको चीज देखने को मिलेगी कि जैसे यहां पर लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो राइट साइड में मूव करती थी, हाइपरक्रोमिक में ये जो वैल्यू है ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड में मूव करेगी, मतलब अगर वो 250 नैनोमीटर पर जो एब्जॉर्प्शन आना चाहिए था वो मान लीजिए कि 248 नैनोमीटर पर आएगा, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और थोड़ा सा वेवलेंथ में भी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये कुल मिलाकर के चार टाइप के शिफ्ट्स थे जो एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी को लेकर के थे। ओके, सो जो रेफरेंस वैल्यू है उस रेफरेंस वैल्यू को हमने यहाँ पे ब्लैक से शो किया हुआ था, ब्लैक एब्जॉर्प्शन ये जो बैंड है, और इसके बाद में हमने रेड शिफ्ट बताया, ब्लू शिफ्ट बताया ऊपर की तरफ, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बताया जब इंटेंसिटी बढ़ती है, और नीचे की तरफ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की बात की। तो इस तरह से आप लोगों को इंटेंसिटी और एब्जॉर्प्शन के जो शिफ्ट्स होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो हमने इस समय तक जो हमारा अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें बहुत सारे बेसिक्स पढ़ लिए। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक्चुअल, अभी तक हम जितनी बात कर रहे थे वो प्रिंसिपल जो भी उसके हैं, जो भी इसमें अलग अलग टर्म्स काम आ रही थी, जिस भी तरह का उसमें चीजें हो रही थी उनका बेसिक समझने की कोशिश कर रहे थे, उनके अंदर की जो बात है वो समझने की कोशिश कर रहे थे, उन टर्मिनोलॉजीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर आपके पास में यूवी स्पेक्ट्रम है तो उसका किस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन करोगे। ठीक है, तो वो इंटरप्रिटेशन हम अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, या उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको दोबारा से थोड़ी सी कुछ चीजें बताऊंगा
ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड होगा, और इन सब चीजों को क्लब कर लेंगे हम, ठीक है, जोड़ लेंगे और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम देखें तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कलरलेस। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कलरलेस, ज्यादातर कलरलेस होते हैं, मतलब इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो विजिबल रेंज से बाहर होता है। जो हमारे पास में विजिबल रेंज है, और विजिबल रेंज का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कहां से कहां तक होता है, वो होता है 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। अगर इस रेंज का लाइट एब्जॉर्ब या इमिट हुआ होता है तो वो कंपाउंड जो है वो कलर दिखाई देगा। अगर इससे कम हुआ, कम कब होगा, जब वो करीब करीब 200 से 400 नैनोमीटर पर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो यूवी रेडिएशंस एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा है। और अगर वो 400 से 750 तक रहता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो विजिबल जो रेंज है उसका रेडिएशंस एब्जॉर्ब या इमिट कर रहा है। और अगर इस 750 नैनोमीटर से ज्यादा अगर होता है, मोर देन 750, मोर देन 750 नैनोमीटर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम इंफ्रारेड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फार इंफ्रारेड है, नियर इंफ्रारेड है ना, मिडिल इंफ्रारेड है, वो अलग अलग रेंज है, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम यहाँ पे आईआर की बात करेंगे। हमारा जो मेन यहाँ पर है अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज को पढ़ना, ठीक है, मेन मोटो। तो मैंने आपको बताया कि अगर वो इस रेंज 400 टू 750 नैनोमीटर की लाइट को इमिट या एब्जॉर्ब करते हैं तो वो वहां पे कलर दिखाई देगा, ठीक है। और ज्यादातर सारे के सारे कलरलेस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिखाई देगा तो इस रेंज की लाइट को एब्जॉर्प्शन पर यहाँ पे दिखाई आपको देता है। कब दिखाई देता है, अब आपने यहां पर डाला लाइट, अब ये आपने ले लिया कोई कंपाउंड और इस कंपाउंड पर आपने ये रेडिएशंस डाल दिए, और जैसे ही रेडिएशन डाले तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी स्टेट में है वो एनर्जी लेगा और ये हायर एनर्जी स्टेट में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, ये यहाँ ट्रांजिशन हो जाएगा। और इसी ट्रांजिशन को आप क्या बोलोगे कि साहब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो गया है, ओके। और इसी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वजह से आपको वो कलर दिखाई देगा अगर वो इस 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर के रेंज में होगा तो। अब ये भी बात हमने की थी कि जहां पे पाई बॉन्ड्स होंगे तो वहां पाई पाई स्टार टाइप का ट्रांजिशन होगा, और इस तरह के जो कंपाउंड होंगे जहां पर ये डबल बॉन्ड पाया जाएगा या पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो कलर शो करेंगे या वो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे। लेकिन अगर एक अनसेचुरेटेड ग्रुप कहीं प्रेजेंट है, जैसे मान लो कि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में हो, या कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हो, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो, ये कहीं पर भी ये अनसेचुरेशन या पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, अकेला एक अनसेचुरेटेड जो ग्रुपिंग है ये कभी भी इतनी इंटेंस एब्जॉर्प्शन पीक नहीं देता, ठीक है। मतलब कि अगर आपने यहां पर कोई भी ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें एक टाइप का अनसेचुरेशन होगा, अब एक टाइप का अनसेचुरेशन से ये मतलब मत लेना कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। अरे हमने इथेन लिया, मान लीजिए अभी हमने इथीन लिया, अब ये इथीन कई सारे मॉलिक्यूल्स है ना, तो कई सारे, लेकिन एक मॉलिक्यूल में तो क्या है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, तो हमारे से मतलब है कि उस एक मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अगर उसमें एक ही डबल बॉन्ड है या एक ही टाइप का ग्रुप है तो वो वीक एब्जॉर्प्शन देता है, वीक एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर एक से ज्यादा हुए, एक से ज्यादा मतलब, एक से ज्यादा मतलब जैसे ऐसी स्थिति आ गई, अब देखो ये कॉन्जुगेशन आ गया यहाँ पे, ये है डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है,
इस तरह की स्थिति भी हो सकती है कि ये कार्बोनिल ग्रुप हो और वो इसके साथ में कॉन्जुगेशन में हो, है ना। तो अगर एक अनसैचुरेटेड ग्रुपिंग है तो सफिशियंट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वीक जो बैंड है वो हमें मिलेगा, है ना। लेकिन अगर यहां पर कॉन्जुगेशन आ जाए, और जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन आ जाएगी उतना ही जो एब्जॉर्प्शन है वो उतना ही इंटेंस होता जाएगा। अगर आप इसको ग्राफ से समझो तो कुछ इस तरह से समझ सकते हो, ये लैम्बडा है, ये इंटेंसिटी है। मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एक एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिला इस तरह का, और एक एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिला इस तरह का। तो ये जो छोटा एब्जॉर्प्शन आया है इसे हम बोलेंगे वीक एब्जॉर्प्शन। ये जो एब्जॉर्प्शन है ये क्या है, ये है हमारा वीक एब्जॉर्प्शन। अब ये जो वीक एब्जॉर्प्शन है ये किसकी वजह से है, ये वजह है कि इसमें सिर्फ एक टाइप का अनसैचुरेटेड ग्रुप है, और ये जो पीक हमें मिली है ये ज्यादा इंटेंस मिली है, इसे आप आसानी से देख पा रहे हो। तो ये जो मिली है ये वो तब है जब एक से ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है, ये तब है जब एक से ज्यादा अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट हो, ये एक ग्रुप ये दूसरा ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी सी ये जो चीजें हैं वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, ठीक है। ओके तो पहली चीज तो ये है कि वो अगर उसको कलर दिखाई देना है तो उसको विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि वो पाई पाई स्टार टाइप का एब्जॉर्प्शन हो या फिर वो एन पाई स्टार टाइप का एब्जॉर्प्शन हो, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर एन पाई टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अगर आप यहां डबल बॉन्ड में देखोगे तो यहां पर पाई पाई स्टार टाइप का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये दो टाइप के एब्जॉर्प्शन होने चाहिए तो वो कलर दिखाई देगा, लेकिन इसी रेंज में, रेंज यही रहेगी दोनों एब्जॉर्प्शन की, तो वो कलर दिखाई देगा। फिर दूसरी बात आई कि साहब उसके पास में किस तरह का एब्जॉर्प्शन हो, मतलब किस तरह के वहां पे एक्साइटेशन हो। तो हमने यहां पर कहा कि सिर्फ सिंगल टाइप का ग्रुपिंग अगर होगा अनसेचुरेशन का, या सिंगल टाइप के पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो वीक एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप के डबल बॉन्ड्स होंगे तो वहां पे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब थोड़ी सी हम आगे बात करते हैं। क्या वो ये, देखो ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे ग्रुप्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल होते हैं या जिनकी वजह से लाइट एब्जॉर्ब होती है उसे हम बोलते हैं क्रोमोफोर। अब वो चाहे वो पाई पाई स्टार टाइप का हो सकता है या वो एन पाई स्टार टाइप का हो सकता है, ये मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे पाई पाई स्टार हैं। और अगर हम यहाँ पे OH की बात कर लें, हम यहाँ पे NH की बात कर लें, हम यहाँ पर सल्फर हाइड्रोजन की बात कर लें, ठीक है ना, हम यहाँ पर ये एल्काइल उसकी एल्कोक्साइड की बात कर, ये सारे के सारे वो हैं जिनके पास में नॉन बॉन्डेड है, तो यह ये जो होगा वो एन पाई स्टार टाइप का होगा, ये जो है वो पाई पाई स्टार टाइप के होंगे, ठीक है। सो अगर ये है तो कलर दिखाई देगा, तो हम यहां पर कुछ अनकॉन्जुगेटेड जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो उस तरह के पाई बॉन्ड्स या उस तरह के जो क्रोमोफोर्स हैं वो कहां कहां पर एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, या उसका जो लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है, जो एब्जॉर्प्शन है, ये जो यहाँ आप ये लैम्बडा मैक्स देख रहे हो, ये कितना एब्जॉर्प्शन इसका मैक्सिमम हो रहा है, ये लैम्बडा मैक्स की वैल्यू उसकी कितनी होती है, वो रेंज जरा देख लेते हैं। इसको देखो याद करने का कोई तरीका नहीं है, ये आपको मतलब कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही करने पड़ेंगे कि कौन सा बैंड कहाँ पर आता है। बट मैं आपको यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट बैंड्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सा बैंड कहाँ आता है। तो सिंपल जो क्रोमोफोर है जो कॉन्जुगेशन में नहीं है और पाई पाई स्टार टाइप का है, कैसा है, पाई पाई स्टार टाइप का जो कॉन्जुगेशन है अनसैचुरेशन है वो क्या है, जैसे कि वाइनिल ग्रुप हो आपका। सबसे पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वाइनिल ग्रुप क्या होता है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो होती है करीब करीब 170 नैनोमीटर पर, लेकिन अगर इसी को आप किसमें कन्वर्ट कर दो, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, ये एसिटिलीनिक ग्रुप होता है, एसिटिलीन में होता है इस वजह से, और इसको अगर हम देखें तो ये होता है 178 नैनोमीटर।
अगर आपके पास में क्या हो, कार्बोनिल हो, कार्बोनिल क्या होगा, कार्बोनिल होगा ये। अब ये देखो यहां लोन पेयर तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई का भी है, तो पाई पाई स्टार वाले कैटेगरी में ही आएगा। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको अगर हम देखें ये करीब 160 नैनोमीटर पर शो करता है। और देखो ये इसकी एक फिक्स रेंज नहीं है या एक फिक्स जगह नहीं है, इनकी रेंज होती है, ठीक है ना, क्योंकि तो कुछ दूसरे फैक्टर्स की वजह से वो जो एब्जॉर्प्शन है उसकी इंटेंसिटी कहाँ आ जाती है, ये इसकी जो है वो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है, लैम्बडा मैक्स जो नैनोमीटर में है ना, वो नैनोमीटर तो मैं नीचे लिख भी रहा हूं वैसे। इसी तरह से और क्या हो सकता है, आपका नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप ये एन ऑक्सीजन, ये नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप अगर आपके पास में है तो ये क्या करेगा, ये करीब 201 नैनोमीटर पर शो करता है। इस तरह से एजो ग्रुप होता है, एजो ग्रुप नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इस तरह के ग्रुप को हम एजो ग्रुप बोलते हैं, एजो। ग्रुप ये जो एजो ग्रुप है ये 338 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन या लैम्बडा मैक्स दिखाता है या सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये हमने कुछ देखे, एसिटिलीन ये वाइनिल ग्रुप देखा, ये एसिटिलीनिक ग्रुप देखा, ये कार्बोनिल देखा, ये नाइट्रो देखा, है ना, इस तरह से। अच्छा कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट नहीं होगा लेकिन लोन पेयर हो। अब लोन पेयर अगर है तो कैसा होगा, लोन पेयर अगर होगा तो वहां पे जो है ट्रांजिशन होगा या वो होगा एन पाई स्टार टाइप का। अब वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है किसी ना किसी ऑक्सीजन की वजह से, वो हो सकता है किसी ना किसी नाइट्रोजन की वजह से, या हो वो हो सकता है किसी ना किसी हेलोजन की वजह से, हेलोजन की वजह से, ठीक है। अब ये किसी की वजह से भी हो इसके पास में लोन पेयर तो है, तो इनका भी अपना एक लैम्बडा मैक्स की वैल्यू होती है, क्या होती है, ये दिखाता है करीब 183 नैनोमीटर पर। अगर नाइट्रोजन है यहां पर, ये एच और इन सब पे ध्यान मत दो, इसमें सिर्फ ध्यान दो जिसके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसके पास में भी प्रेजेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास एक होता है और जो हमारे पास हेलोजन है उसके पास में तीन लोन पेयर्स होते हैं। तो ये 183 पे देता है अगर ऑक्सीजन है तो, और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो वो करीब करीब 227 नैनोमीटर पे देगा, और हेलोजन अगर होगा तो 258 नैनोमीटर पर देगा, ठीक है। ये वैल्यू मैंने भी कहीं से याद की है, तो आप लोगों को भी इसमें याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई तरीका नहीं है कि आप लोग अगर आप मुझसे पूछोगे, लेकिन अगर आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आप लोगों को वो चीज याद हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये जितने भी बैंड्स आएंगे चाहे वो पाई पाई स्टार टाइप का हो या वो एन पाई स्टार टाइप का, ये सारे के सारे बैंड्स आएंगे वीक वीक एब्जॉर्प्शंस यहां पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके साथ में कॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर्स ऐड कर दें तो क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और वो क्यों होगा उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं यहां, ठीक है। तो यहां पहले बात करते हैं कि साहब किस तरीके के कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर हो सकते हैं, क्रोमो फोर्स। तो कॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो भी है ब्यूटाडाइन का, ये ब्यूटाडाइन है, और ये जो ब्यूटाडाइन है इसका एब्जॉर्प्शन होता है 217 नैनोमीटर पर, 217 नैनोमीटर पर। अगर आपने एथिलीन का पता पता हो, अभी ऊपर था हमने देखा था एथीन का जो था CH2 डबल बॉन्ड CH2, वो कहाँ दे रहा था, वो दे रहा था 170 नैनोमीटर पर। अब आप एक चीज देखो, जब इसमें कॉन्जुगेशन आ गया
अभी तो यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स हो गए, एक ये और एक ये। जब इसमें दो डबल बॉन्ड्स आ गए तो देखो शिफ्ट किधर हो गई, रेड की तरफ, रेड शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि ये 170 नैनोमीटर है और इधर हम ज्यादा वेवलेंथ की तरफ मूव कर गए, ठीक है ना, रेड शिफ्ट हो रहा है। जबकि मैंने आपको जब शिफ्ट पढ़ाए थे तो वही बताया था कि कॉन्जुगेशन अगर बढ़ता है, ये मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेशन अगर बढ़ता है तो क्या होता है, रेड शिफ्ट होता है या बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपका यहां पर हो गया। इसी तरह से यहां पर हम और बात कर सकते हैं, ये ट्राइईन हो गया, ये एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये तीसरा डबल। अगर ये ट्राइईन की बात करें तो ये 247 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन देता है। और इसे ही हम अगर टेट्राइन की बात करें, टेट्राइन में आप देखोगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये तीसरा और ये फोर्थ, ये चार डबल बॉन्ड समय इस टेट्राइन में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एब्जॉर्प्शन करता है ये 282 नैनोमीटर पर करता है। अब इसका बेसिक समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन बढ़ने पर, सॉरी कॉन्जुगेशन बढ़ने पर एब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ रहा है रेड शिफ्ट की तरफ, ठीक है ना, वो हम बात करते हैं। तो देखो यहां अगर हम यही बात कर लेते हैं, ये हमारे पास में जो पीक है इसमें वेवलेंथ क्या है, छोटी, ये छोटी वेवलेंथ, इसको इस तरह से आप शो कर सकते हैं, छोटी वेवलेंथ है, इस तरह की लाइट यहां काम आई है। इसको अगर हम देखें तो इसको यहां पर आप बना सकते हो कि साहब इसकी वेवलेंथ क्या है, बड़ी है। अब देखो इससे बड़ी है, इसको कंपेयर करो वेवलेंथ को और इसको कंपेयर करो, एक वेव इस तरह से हो रही है, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो वेवलेंथ और बड़ी है, ये देखो इससे ज्यादा, इतनी बड़ी है, और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो वेवलेंथ और ज्यादा बड़ी है, ठीक है। वेवलेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी तो होगी ज्यादा क्योंकि वेवलेंथ छोटी है, और इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी कम, ये एनर्जी ये ज्यादा है, और यहां पर इस तरीके से आप दिखा दोगे ये ज्यादा और इधर ये कम। अब यहां होगा क्या, उस पर बात करें तो देखो जब हम यहां बात करते हैं तो यहां पे केवल दो ऑर्बिटल्स हैं, ये दो पाई ऑर्बिटल्स होंगे, एक पाई और एक पाई स्टार, एक पाई और ये पाई स्टार, यहां इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी ज्यादा चाहिए थी। यहां कितने हो गए, दो, एक ये और एक ये, तो दो, तो यहां आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, ये पाई पाई। अब यहां जो एक्साइटेशन के लिए जरूरी जो एनर्जी है वो इतनी, तो ये देखो एनर्जी यहां तो ज्यादा थी, यहां क्या हो गई, कम हो गई। अब यहां पर आ जाओ, इसमें अगर होगा तो क्या होगा, तीन है, तो तीन आपके ये और तीन आपके ये, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, यहां होमो से लूमो यही जाएगा ना, तो ये होमो से लूमो, तो ये एनर्जी और कम हो गई इसके कंपेरेटिवली। और यहां अगर हम बात करें तो चार है, तो चार है, तो ये कुछ इस तरह से शो होगा। और यहां जो होमो से लूमो जाएगा वो इस तरह, तो एनर्जी में आप देखो वेवलेंथ तो बढ़ रहा है और एनर्जी क्या हो रही है, कम, और कम एनर्जी होगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा, मतलब कि रेड शिफ्ट। और यहां पर एनर्जी ज्यादा चाहिए, मतलब कि जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम, ज्यादा एनर्जी वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ कम का मतलब ये अपनी कम वेवलेंथ की तरफ। तो जैसे जैसे इस तरह से आप यहां लेफ्ट टू राइट जाते जाते हो, वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है और वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती जाती है, और वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो वो कैसा शिफ्ट शो करेगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा कॉन्जुगेशन बढ़ने पर। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेशन अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो एनर्जी की वैल्यू धीरे 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 क्या होती जाती है,
कम होती जाती है और वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मतलब कम एनर्जी पर ही आप यहां पर एक्साइटेशन करा सकते हो जब आपने कॉन्जुगेशन लिया हुआ है, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें थी। कल जो हम बात करेंगे वो थोड़ी सी आगे की बात करेंगे कि किस तरह से हम अब कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, एक वुडवर्ड फिशर ने कुछ रूल्स दिए थे, उन वुडवर्ड फिशर रूल्स को फॉलो करते हुए हम अलग अलग कंपाउंड का जो वैल्यू है कि कहां एब्जॉर्प्शन दिखाएगा